मकान बनाने वाली बजरी एक युवक के लिए काल बन गई और काल भी ऐसा कि पल भर में जिंदगी खत्म हो गई। राजस्थान के नागौर जिले में 27 फरवरी की सुबह एक हादसा हो गया। अब यह हादसा है या लापरवाही या फिर कुछ और, यह तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि जान गंवाने वाले युवक के परिवार ने जो रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है उसमें तो उन्होंने इस पूरी घटना को एक हादसा ही बताया है। दरअसल 27 फरवरी की सुबह मेड़ता थाना क्षेत्र के धनेरिया गांव सरहद पर एक बजरी के ढेर के पास एक युवक का शव पड़ा मिलता है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और थोड़ी ही देर में खोजबीन के बाद युवक की पहचान मेड़ता सिटी के सोजती गेट नायको का मोहल्ला निवासी 18 साल के विक्रम नायक पुत्र जगदीश नायक के रूप में हो जाती है। दरअसल युवक एक बजरी के ढेर के पास पड़ा मिलता है जिसका मुंह और शरीर बजरी से भरा हुआ था। हालात को देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस यह बात तो पता लगा लेती है कि युवक की जान बजरी के नीचे दबने से गई है। प्रथम दृष्टया अभी यही है कि बजरी के नीचे दब के मरा है और किस जगह मरा, कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश चल रही है। मगर पुलिस के सामने तब भी कई सारे सवाल खड़े थे। आखिर कैसे एक युवक बजरी के नीचे दब गया, उसे कौन बजरी के ढेर के किनारे छोड़ गया, यह हादसा कैसे हुआ, क्या ट्रैक्टर पर सो रहे युवक पर अनजाने में बजरी डाल दी गई या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से युवक बजरी के नीचे दब गया या फिर मामला कोई और ही है, पुलिस इन सब सवालों का जवाब जानने में जुट गई। कुछ ही देर में पुलिस को सफलता भी मिल गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक, ट्रैक्टर ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन कर लिया। इधर देर शाम तक जान गंवाने वाले युवक के भाई भी मेड़ता पहुंच गए। दरअसल भाई बाहर नौकरी करते हैं। ऐसे में 28 फरवरी की सुबह मृतक विक्रम की माँ बाउड़ी मेड़ता सिटी पुलिस थाने में एक रिपोर्ट देती है और उसमें बताती है कि मेरा छोटा बेटा विक्रम 26 फरवरी को शाम को मेरे घर से किसी काम के लिए धनेरिया गांव गया था। मेरा बेटा सुबह तक वापस नहीं लौटा। बाद में हमें सूचना मिली कि विक्रम आंत्रोली कला निवासी गोवर्धन पुत्र सुखराम नायक के साथ ट्रैक्टर पर बैठा था जो अचानक नीचे गिर गया। तब ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से खेत की मिट्टी से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई थी। इस कारण मिट्टी के नीचे दबने से मेरे बेटे विक्रम की मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया कि ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चलाया था, इस कारण नीचे गिरने से मेरे बेटे की मौत हुई है। ऐसे में परिवार ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। खैर, पुलिस ने परिवार की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 279 और 304A में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस भी इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। पुलिस की पूरी जांच के बाद ही सारी हकीकत सामने आ पाएगी। मैं ये चाहता हूँ जो साथ में गए वो गिरफ्तार चाहिए और मुआवजा चाहिए। कौन लेकर गया था साथ में? जो साथ में लेके गए वो गिरफ्तार चाहिए, जो जिसके टोली में खत्म हुआ है वो चाहिए। सूचना मिली थी कि धनेरिया और कटेस्टी गांव के बीच में एक बजरी के ढेर के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इससे सूचना पे हम मौके पहुंचे, मौके पहुंच के और घटनास्थल का मुआयना किया। मुआयना करने पर जो ये मृतक है, मृतक विक्रम नायक जो मेड़ता सिटी का है, उसकी पहचान हुई, शिनाख्त हुई, जिसकी बॉडी को मॉर्चरी रूम में ला के रखवाया गया। इसके परिजनों को सूचना दी गई और जो संदिग्ध ट्रैक्टर जो था उसकी भी तलाश की गई। उस ट्रैक्टर को डिटेन किया गया है और मालिक जो ड्राइवर था उसको डिटेन किया गया है। दोस्तों, इसी तरह के किस्सों और वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।